वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है आठवीं सैरी। तो मैं आज बना रही हूँ पनीर वेजिटेबल सैंडविच। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ एक मीडियम साइज की प्याज, जिसको मैं बारीक चॉप कर ली थी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गोभी पत्ता, भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें डाल रही हूँ लेट्यूस बारीक कटा हुआ, आप लेट्यूस की जगह गोभी पत्ता भी यूज़ कर सकते हो। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्ची, एक शिमला मिर्ची को बारीक चॉप कर ली थी, और एक मीडियम साइज का टमाटर, उसको भी मैं बारीक चॉप कर ली थी, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दी हूँ। अब उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दी हूँ कॉर्न। अगर आपके पास कॉर्न ना हो तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो। आपको जो वेजिटेबल्स अच्छी लगती है आप वो ऐड करिएगा, बाकी जो नहीं चाहते आप उसको स्किप कर सकते हो। तो उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दी हूँ चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून के करीब, ऑरिगेनो 1 टेबल स्पून के करीब। तो उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ जितना आपको लगता है अपने हिसाब से डालिएगा। मैं अपने हिसाब से ऐड करी हूँ 1 टेबल स्पून करीब मैं नमक ऐड कर दी थी। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मेयोनीज तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। मेयोनीज ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सेजवान चटनी 1 टेबल स्पून के करीब। उसके बाद दोबारा से मैं इसको कर लूँगी मिक्स। मिक्स करके मैं इसको साइड में रख दूँगी। मिक्स कर लिया, मैं इसको रख दूंगी साइड में। अब मैं पनीर को कर लूंगी मैरिनेट। तो उसके लिए मैं ले ली थी कटोरी, इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ अब 1 टेबल स्पून करीब मेयोनीज। अगर आपके पास मेयोनीज ना हो तो आप दही या टेम्पे यूज कर सकते हो। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मेयोनीज। मेयोनीज ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्ची का पाउडर, और 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला, और कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून के करीब, और थोड़ा सा नमक जिसकी मैं आपको बोलती हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ध्यान रखेंगे हम उसमें भी नमक डालें तो इसमें भी हम अपने हिसाब से नमक डालेंगे। ये ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स। मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर छोटी छोटी पनीर की मैं क्यूब कर ली छोटी छोटी, मैं वो ऐड कर दूँगी एकदम अच्छे से। फिर पनीर को मैरिनेट करके मैं 5 मिनट के तकरीबन रख दूँगी। पनीर को मैरिनेट किए 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं ले ली थी कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। फिर उसके बाद मैं ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी सारा पनीर जो हम मैरिनेट करके रखे थे, और फिर उसको धीमी आंच पर पनीर को तो मैं भून लूँगी थोड़ा, उसको जो मसाला है उसको पका लूँगी ताकि एकदम सूखा सा हो जाए पनीर में, वापस से मसाला एकदम अच्छे से लग जाए। तकरीबन मैं इसको 5 से 6 मिनट एकदम धीमी आंच पर भून लूँगी पनीर को मसाले के साथ। पनीर एकदम अच्छे से भुना चुकी, इसके मसाला जो अच्छे से हो चुका था। अब मैं गैस को कर दी थी बंद। फिर मैं ये ले ली थी ब्रेड। ब्रेड को मैं चारों साइड के एकदम अच्छे से काट ली थी। काटने के बाद मैं ब्रेड पे पहले रख दी थी जो वेजिटेबल से मैंने स्टफिंग बनाए थे मैरिनेट करके रखे थे, वो इसके ऊपर मैं रख दी हूँ एकदम अच्छे से। इसके ऊपर रख दूंगी पूरी स्टफिंग रख दी हूँ। अब मैं इस ऊपर रख दूंगी एक और ब्रेड। फिर ब्रेड के ऊपर मैं लगा लूंगी इसके ऊपर वाली ब्रेड पे मेयोनीज लगाने के बाद मैं इसके ऊपर रख दूंगी जो पनीर की हम क्यूब मैरिनेट किए थे ना, वो क्यूब पूरी इसके ऊपर रख दूंगी। फिर वो पनीर डालने के बाद मैं उसके ऊपर रख दूंगी एक चीज स्लाइस। अगर आपके पास चीज स्लाइस नहीं हो या फिर आप नहीं डालना चाहते हो तो ऑप्शनल है, आप नहीं डालो स्किप कर सकते हो। वैसे तो मैं चीज स्लाइस रखूंगी, आपकी मर्जी डालना है डालो वरना ना डाले। फिर चीज स्लाइस रखने के बाद मैं इसके ऊपर एक और ब्रेड रख दूंगी और इमेज अमेज हो जाएगी। फिर हम इसको ग्रिल करेंगे। और यहाँ पे मैं सैंडविच मेकर में बटर लगा ली हूँ, उसके बाद मैं सैंडविच को कर लूंगी ग्रिल। अगर आपके पास सैंडविच मेकर ना हो तो आप लोग नॉर्मल फ्राई पैन या फिर तावे पे भी इसको ग्रिल कर सकते हो, इससे कोई जरूरी नहीं सैंडविच मेकर में। और ये मेरी सैंडविच ग्रिल हो चुकी थी और मेरी पनीर वेजिटेबल सैंडविच बनके तैयार है, और ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी, हमने सब ने खाई, इसका काफ़ी ज़्यादा टेस्ट अच्छा था।
मैं भी आप लोगों को कहूँगी एक बार आप लोग इस चैनल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को करती हूँ, अभी इस शायरी की वीडियो को करती हूँ यानी इन्हें शायरी करके नमाज पढ़ के सो जाऊँगी। मैं मिलूँगी आप लोग को इफ्तारी के टाइम, फिर बताऊँगी मैं इफ्तारी में कल क्या बना रही हूँ। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, मैं मिलती हूँ आपसे इफ्तारी के टाइम। अस्सलाम वालेकुम, तो हो गया इफ्तारी बनाने का टाइम। तो मैं आज बना रही हूँ चिकन क्रिस्पी। तो उसके लिए मैं ले रही थी तकरीबन ये 1.5 किलो के करीब था चिकन, मेरा बॉडलेस चिकन था। इसके अंदर मैं ऐड कर दी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसका ऐड कर दी हूँ गर्म मसाला। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी हल्दी पाउडर। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी धनिया पाउडर। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी जीरा पाउडर। जीरा पाउडर ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी लाल मिर्ची का पाउडर। लाल मिर्ची के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून करीब सोया सॉस और 1 टेबल स्पून करीब ग्रीन चिल्ली। अगर आपके पास ग्रीन चिल्ली ना हो तो आप स्किप कर सकते हो। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दी हूँ टमाटो सॉस, सेजवान चटनी, अगर आपके पास रेड चिल्ली सॉस है तो वो भी ऐड कर सकते हो, मेरे पास नहीं तो इसे मैं स्किप कर दी हूँ। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी एक अंडा। अंडा ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद इसको एकदम अच्छे से मैं कर लूंगी मिक्स। मिक्स करके तकरीबन मैं इसको मैरिनेट, नमक भी ऐड करेंगे, तकरीबन मैं इसको मैरिनेट करके रख दूंगी 1 से 1.5 घंटे के लिए। आप इसको ओवरनाइट भी करके रख सकते हो। जितना मैरिनेट होगा ये उतना ज़्यादा गोश्त लजीज होगा, गोश्त में मसाला जाएगा उतना ज़्यादा ही टेस्टी बनेगा। तो मैं इसको मैरिनेट तो आज मैं बना रही हूँ इसी के साथ कुनाफा। तो कुनाफा बनाने के लिए मैं ले ली थी तकरीबन 1.5 लीटर के करीब दूध। और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दी हूँ 2 टेबल स्पून करीब शक्कर। शक्कर आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग मीठा ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर 2 टेबल स्पून करीब। हम ध्यान रखेंगे गैस ऑन नहीं करेंगे, पहले कॉर्नफ्लावर शक्कर डालने के बाद अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद फिर गैस ऑन करेंगे, वरना हम गर्म दूध में कॉर्नफ्लावर डालेंगे तो पूरे लम्स पड़ सकते हैं, और हम ध्यान रखेंगे कि दूध में लम्स नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद अच्छे से मैं इसको कर लेती मिक्स। मिक्स करने के बाद उसके बाद मैं गैस को कर देती ऑन। गैस को मैं पहले तो मीडियम पे ही रखी थी, फास्ट डायरेक्ट नहीं की थी। मीडियम पे रखने के बाद इसी तरीके से मैं चलाते चलाते तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट के लिए पकाई थी, जब तक कि दूध एकदम गाढ़ा नहीं हो जाता। जब तक इसी तरीके से मैं इसको चलाते चलाते पकाते रहूँगी, और दूध आप देख सकते हो एकदम गाढ़ा हो चुका था। फिर उसके बाद जब दूध गाढ़ा हो चुका था तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर देती वैनिला एसेंस तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। फिर इसको तो अच्छे से ऐड करने के बाद इसको तो अच्छे से मैं कर लेती मिक्स। इसको मिक्स हम चलाते रहेंगे, डायरेक्ट छोड़ नहीं देंगे वरना इसमें लम्स पड़ सकते हैं। तो फिर इसको ऐड करने के बाद इसको तकरीबन चला लेती 1 मिनट के लिए। फिर इसके अंदर मैं ऐड करती हूँ क्रीम चीज़। अगर आपके पास क्रीम चीज़ ना हो तो आप क्रीम चीज़ की जगह फ्रेश क्रीम और ये चीज़ स्लाइस या फिर चीज़ क्यूब भी ऐड कर सकते हो। जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है आप वो ऐड करिएगा, पर उसके साथ फ्रेश क्रीम भी आप ऐड कर सकते हो। मैं चीज़ क्रीम इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून करीब ऐड कर रही हूँ। उसके बाद चीज़ क्रीम ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स, जब तक कि पूरी ये जो हमारी चीज़ क्रीम एकदम अच्छे से दूध में मेल्ट ना हो जाए, तब तक कि हम इसको इसी तरीके से एकदम धीमी आँच पे चलाते रहेंगे और एकदम अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। तो हम गैस को कर देंगे बंद और इसको रख देंगे साइड में। चीज़ क्रीम एकदम अच्छे से मेल्ट हो चुकी थी इसके अंदर, तो फिर उसके बाद मैं गैस को कर दी थी बंद। अब मैं इसको रख दूंगी एकदम अच्छे से ठंडा होने के लिए। ये ठंडा होगा तो ये और भी गाढ़ा होगा, आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी गाढ़ा इसको कर सकते हो पका पका के। फिर मैं ले रही थी तकरीबन पूड़े वाली सेवई। मैं सेवई में थी 1 पूड़े के करीब। फिर इसको एकदम अच्छे से मैं हाथों की मदद से इसको एकदम बारीक कर लूँगी इस तरीके से। तो मैं अच्छे से बारीक कर ली थी। अब मैं बटर को कर ली थी मेल्ट। मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून करीब बटर ली थी। अब बटर को अच्छे से कर ली थी मेल्ट। अब बटर को मेल्ट करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ ऑरेंज फूड कलर। है अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, कोई इससे ज़रूरी नहीं है कलर। तो उसके बाद मैं अच्छे से बटर में कलर को कर लेती मिक्स। बस ये अच्छा जब मैं कलर आने के लिए ऐड करते हैं। उसके बाद में जो बटर हॉट कलर था इसको मैं सेवई में ऐड कर दूंगी और हाथों की मदद से तुम अच्छे से सेवई को मिला लूंगी ताकि जो पूरे सेवई में बटर और जो कलर तुम से मिक्स हो जाए। तो
एकदम अच्छे से बटर और कलर सेवई में जब से मिक्स हो चुका है, सेवई का कलर काफी ज्यादा प्यारा आया है ऑरेंज ऑरेंज टाइप में। तो अब मैं बना लूंगी इसके लिए चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए मैं ली थी तकरीबन आधा ग्लास के करीब पानी, और मैं इसके अंदर ऐड कर दी 2 टेबल स्पून करीब शक्कर। अब मैं इसके अंदर नॉर्मल से चाशनी बनाएंगे, हम एक तार की चाशनी नहीं बनाएंगे। और ये फ्राई पैन है जिसमें मैं कुनाफा बनाने वाली, ये नॉन स्टिक है और नॉन स्टिक ही रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और मैं इसको एकदम अच्छे से इसके ऊपर लगा ली हूँ बटर, दोनों फ्राई पैन में बटर लगा ली थी। अब मैं एक जो छोटा सा फ्राई पैन था पहले मैं उसके अंदर एकदम अच्छे से सेवई को रख दूंगी, कोई फैला के जिस तरीके से हमको रखने के हैं। रखने के बाद एकदम अच्छे से इसको कोई कटोरी या फिर ग्लास की मदद से एकदम अच्छे से इसको दबा दूंगी, एकदम अच्छे से शेप दे दूंगी, एकदम दबा दबा के हम एकदम हाथों अच्छे से टाइट टाइट दबा देंगे। थोड़ा चार तरफ से इसको हल्का हल्का सा शेप दे देंगे ताकि थोड़ी सी फैली फैली सी ना रहे, जैसे गोल से शेप में आ जाए। तो पहले मैं जो बीच की सेवई थी उसको ग्लास से फिर आपको कटोरी की मदद से तो मैं इसमें इसको शेप दे दी थी, मैं ग्लास की मदद से एकदम अच्छे से शेप दे दी थी। फिर इसके बाद जो साइड साइड का था मैं चम्मच की मदद से एकदम अच्छे से उसको एकदम अच्छे से क्लीन कर ले रही, प्लेन कर दे रही, अच्छे से गोल सा शेप दे दे रही हूँ। इसी तरीके से हम करेंगे। इसी तरीके से करने के बाद मैं इसके ऊपर ऐड कर दी थी जो हम क्रीम बनाए थे, क्रीम भी एकदम अच्छे से ठंडी हो चुकी थी। इसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड कर दे रही हूँ वो क्रीम, और क्रीम डालते हम ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल भी जो क्रीम है वो फ्राई पैन पे इधर उधर ना गिरे, जो सेवई के बीच में ही रहे। आप देख सकते हैं क्रीम कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी थी, थोड़ी मुझे और करना चाहिए था पर थोड़ी कम हुई थी, बट ठीक है। अब तो एकदम अच्छे से मैं इसके ऊपर डाल दूंगी, और हम ध्यान रखेंगे कि साइड साइड में क्रीम नहीं गिरना चाहिए। अगर गलती से चले भी गई तो आप उसको हटा लीजिएगा, साफ कर लीजिएगा, वरना वो जो पैन में है चिपकने लगेगी। मेरी भी गिर चुकी थी, उसको साइड में कर दी थी, चिपकने लगेगी इसकी वजह से। फिर उसके ऊपर मैं वापस से रख दूंगी जो बची हुई सेवई थी, आधी हम डाले थे आधी रखे थे। फिर जो बची हुई सेवई थी उसके ऊपर भी एकदम अच्छे से मैं डाल दूंगी, और इसी को एकदम अच्छे से उसको भी चम्मच की मदद से एकदम से शेप दे दूंगी। और ऊपर हम ध्यान हल्के हल्के हाथ से करेंगे और नहीं फट जाएगा। तो फिर मैं 1 मिनट के लिए इसको गैस पे पहले खाली फ्राई पैन को ये वाले को रखी थी, फिर एक तावा रख के उसके ऊपर मैं ये फ्राई पैन को तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दी थी। और यहाँ पे जो मेरा चिकन था एकदम अच्छे से मैरिनेट हो चुका था तकरीबन 2 घंटे के लिए। उसके बाद मैं इसको एक काढ़ी में इस तरीके से डाल ली थी, कोस ली थी एकदम अच्छे से। तो मैं ये पूरी इस तरीके से काढ़ी में चिकन कोस दी हूँ। अब मैं ये पत्ती है जो मैं एकदम बारीक बारीक समोसे की पत्ती जिसमें एकदम अच्छे से बारीक बारीक काट ली थी, और इसके अंदर मैं ऐड कर दी हूँ कॉर्नफ्लावर तकरीबन 1 टेबल स्पून करीब, ताकि थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी सा हो जाए। उसके बाद मैं चिकन रख के एकदम अच्छे से हाथों की मदद से इसको दबा दबा के इसके अंदर जो पत्ती है लगा दे रही हूँ, ताकि जो पत्ती एकदम अच्छे से इसके अंदर चिपक जाए, लग जाए। इसी तरीके से मैं दोनों साइड से कर लूँगी ताकि जो पत्ती एकदम अच्छे से चिपक जाए। आप देख सकते हो एक साइड हुआ एक साइड नहीं हुआ, तो हम एकदम अच्छे से इसको दबा दबा के पूरी पत्ती इस पर लगा लेंगे। इस तरीके से मैं सारे चिकन को कर लूँगी। तो 10 मिनट हो चुका था, फिर मैं इसको एक दूसरे फ्राई पैन के एकदम अच्छे से जिसपे हम बटर लगा के रखे थे उस पर पलट ली थी, थोड़ा सा फैल गया था। फिर मैं चम्मच की मदद से एकदम अच्छे से इसको फिर से फिक्स कर ली थी, और मैं एक साइड और जो नीचे वाला साइड है उसको 10 मिनट और पकाऊंगी। आप देख सकते हो ऊपर कितना अच्छे से एकदम गोल्डन सा कलर आया है, ज़्यादा नहीं रखेंगे वरना सेवई हमारी जल सकती है। तो अब नीचे वाले को भी हम 10 मिनट के लिए रख देंगे पकने के लिए एकदम धीमी आँच पे, और गैस एकदम धीमी आँच पे हम रखेंगे, ध्यान रखेंगे वरना ये नीचे से जल सकता है। और ये एक साइड में पूरी क्रिस्पी जो थी बन के तैयार थी, और मेरा कुनाफा भी बन के एकदम अच्छे से तैयार था। 10 मिनट हो चुका था और जो क्रीम थी वो मेल्ट होकर नीचे आ रही थी। फिर इसके ऊपर मैं डाल दी शुगर सिरप जो हम बना के रखे थे चाशनी, ऊपर से डाल दे रही मैं। अगर आप इसको खाने के टाइम में डाल सकते हो, अगर जिसको मीठा कम लग रहा हो तो आप इसको डाल के दे सकते हो। तो चाशनी डालने के बाद एकदम अच्छे से मैं इसको 1 मिनट के बाद इसको कटिंग कर ली थी, मैं दिखाती हूँ आपको। तो चाशनी डाल चुकी थी, अब मैं इसके ऊपर डाल रही पिस्ते का पाउडर। अगर आपके पास पिस्ते का पाउडर ना हो तो तब ऑप्शनल सी बात है, घर में आपके पास मिक्सर जार होगा, आप पिस्ते को पीस लीजिएगा। बन गया पिस्ते का पाउडर, उसके बाद एकदम अच्छे से आप इसको गार्निश कर दीजिएगा, जैसे मैं कह रही हूँ ऊपर डाल के। थोड़ा साइड में भी गिर गया, उसको अवॉइड करिएगा आप लोग। फिर और मेरी ये कुनाफा बन के एकदम बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसकी आपको बताऊंगी कटिंग करके। मेरा थोड़ी सी मेरी ना कुनाफे में सेविंग ज़्यादा हो गई थी, आप लोग थोड़ी ना नीचे कम डालिएगा, और क्रीम थोड़ी सी कम हो गई थी क्योंकि मेरी क्रीम थोड़ी कम पक रही थी, तो आप लोग क्रीम थोड़ा ज़्यादा पकाइएगा। और मैं इसको इस तरीके से कटिंग कर रही हूँ, और
एकदम चम्मच की मदद से, पलटने की मदद से, एकदम फ्लैट चम्मच होता है ना उसकी मदद से मैं इसको निकाल रही हूँ। जो कुनाफा था काफी ज्यादा टेस्टी और काफी ज्यादा लजीज बना था, और ये दुबई डिजर्ट कुनाफा तैयार है। आप लोग एक बार जरूर इसको ट्राई कीजिएगा, ये काफी ज्यादा खाने में मजेदार था। और तो यहाँ पे तेल एकदम से गर्म हो चुका था पहले, क्योंकि मैं और भजा तल चुकी थी। उसके बाद इसको मैं ऐड कर रही हूँ हमारा क्रिस्पी चिकन, उसको जिससे फ्राई कर लूंगी। और यहाँ पे मेरा जो क्रिस्पी चिकन था जिससे फ्राई हो चुका है मेरी क्रिस्पी, और आई होप आप लोग को आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।